IMDb 2017 की लिस्ट आ गई है। इसे देखकर बाहुबली प्रभास के फैंस को हैरानी जरूर हो सकती है। दरअसल प्रभास इस लिस्ट में शाहरुख खान से पीछे छूट गए हैं। शाहरुख को लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन मिला है, वहीं प्रभास को नंबर 6 से संतुष्ट होना पड़ा है। प्रभास ने इस साल बाहुबली द कंक्लूजन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। फिल्म ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, फिर भी प्रभास को यह स्थान मिला। चाहे प्रभास लिस्ट में 6 नंबर पर खिसक गए हो, लेकिन IMDb 2017 में ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के सितारों का जलवा रहा। फिल्म के 3 अहम स्टार्स ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। जहां लिस्ट में प्रभास 6ठे नंबर पर हैं, वहीं तमन्ना भाटिया 4थे नंबर पर और अनुष्का शेट्टी 8वें नंबर पर हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि प्रभास साउथ के एकमात्र एक्टर हैं जिन्हें इस लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें कि शाहरुख की रैंकिंग इस साल सुधरी है, पिछले साल वो 3रे नंबर पर थे। शाहरुख ने इस साल बॉलीवुड में 25 साल भी पूरे किए हैं और उनकी रैंकिंग में सुधार का यही कारण है। कहा जा रहा था कि शाहरुख की करियर का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन यह लिस्ट तो कुछ और ही दिखा रहा है। इस साल उनकी 2 फिल्में रईस और जब हैरी मेट से जल रिलीज हुई है। शाहरुख के बाद नंबर 2 पर आमिर खान ने अपनी जगह बनाई है। इस साल भी उनकी भी 2 फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार रिलीज हुई है। आमिर के बाद नंबर आता है सलमान खान का, उन्हें इस लिस्ट में 3रा स्थान मिला है। उनकी फिल्म ट्यूबलाइट तो बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन टाइगर जिंदा है से वो एक बार फिर न्यूज में आ गए हैं।